बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के बारे में। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का नाम आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा। रिसर्च में इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की बहुत अहमियत है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च इन सोशल साइंसेज। जब हम सोशल साइंसेज में रिसर्च करते हैं तो उसमें इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बहुत अहमियत का हामिल है, और ख़ास तौर पर उन रिसर्चेज में जिसमें इंसान या जानवर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता क्या है। आप नाम से देखें, आपको क्या लगता है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट? मैं अगर देखूं तो इन्फॉर्म्ड एक अलग लफ्ज़ है, कॉन्सेंट एक अलग लफ्ज़ है। यानी इसका मतलब मुझे ये लग रहा है, अगर मुझे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का आइडिया ना हो, इसका मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, और कंसेंट का मतलब होता है किसी की रजामंदी लेना, यानी कंसेंट लेना। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है कि इन्फॉर्म करके किसी की रजामंदी लेना। तो अगर आपका ये, आप अगर ये मानी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट बेसिकली क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एक रजामंदी लेना होता है पार्टिसिपेंट की, जो कि रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। Informed consent is a fundamental ethical principle in psychological research that ensure individual have the necessary information to make autonomous decision about the participation in the study. Informed consent जो है वो एक fundamental ethical principle है psychological research में। क्योंकि हम psychology की research की बात कर रहे हैं तो हम बार बार psychology का word use करेंगे। उसमें क्या होता है बेसिकली कि information, जो participant हैं उनको इन्फॉर्मेशन रिसर्च की प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो ये डिसीजन ले सकें कि क्या उन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट में किस किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हम जाके आगे इसको देख लेते हैं। इसके कंटेंट क्या होते हैं, यानी कंटेंट मींस के कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हम पार्टिसिपेंट को देते हैं। सबसे पहले वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, यानी हम पार्टिसिपेंट्स को ये बताते हैं कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलेंटरी है। आपको कोई जोर ज़बरदस्ती से रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, आप पे प्रेशर नहीं डाला जा सकता, आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, बल्कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलेंटरी है। आप किसी भी वक्त, अगर आप अपनी मर्जी से रिसर्च में शामिल होते हैं, वेल एंड गुड। नहीं होते तो हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, और अगर रिसर्च में शामिल हो गए हैं तो यू हैव द राइट टू विथड्रॉ एट एनी टाइम। ठीक है, आप रिसर्च के दौरान किसी भी वक्त आपके पास राइट है कि आप विथड्रॉ करके जा सकते हैं, आपको कोई पेनल्टी या कोई नुकसान या कोई जुर्माना नहीं आयद किया जाता। तो ये सबसे पहले हम बताते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट में कि आपकी वॉलंटरी जो पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरी है। उसके बाद आगे आ जाता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर क्या होता है जी, कि रिसर्चर जो है वो बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर और कम्प्रिहेंसिव जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि लाइक किस तरह का प्रोसीजर होगा, किस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो हम रिसर्च करेंगे, हम ये पार्टिसिपेंट को बताते हैं। पार्टिसिपेंट की पार्टिसिपेशन का ड्यूरेशन कितना होगा, यानी उनको कितना टाइम जो है, कितना ड्यूरेशन, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल जो है वो उनको पार्टिसिपेट करना है इस रिसर्च में। कोई भी पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं उसके सामने, डिस्कम्फर्ट क्या हो सकता है, बेनिफिट जो है वो, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो पार्टिसिपेंट को हम बताते हैं। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन द लैंग्वेज दैट पार्टिसिपेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड, अवॉइडिंग टेक्निकल जार्गन। ठीक है, यानी हम ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है कि प्रोसीजर क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा पार्टिसिपेंट का, पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट या डिस्कम्फर्ट क्या होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे और उस जुबान में पार्टिसिपेंट को देंगे कि जिस जुबान में वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट बेचारा अनपढ़ है और हम उसको इंग्लिश में इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो हमारे यहाँ मोस्टली होता है, ऐसे ही है वो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो एक लगा जरूर होता है रिसर्च में, लेकिन ऐसे उसको कोई समझ नहीं आती, पार्टिसिपेंट को ना ही बताया जाता। ठीक है, तो अगर आप सही एथिकल इश्यूज को फॉलो करते हुए रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट उस जुबान में बनाना है, उस जुबान में पार्टिसिपेंट को कन्वे करनी है ये सारी चीजें, जिस जुबान को वो समझता है, जो उसकी अपनी जुबान है। ठीक है जी, आगे आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन। It is essential to ensure that participant comprehend the information provided. आपने ये इंश्योर करना है पार्टिसिपेंट से कि उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अंडरस्टैंडेबल है, उसने कंप्रीहेंड की है. Researcher should use appropriate strategies to gauge participants' understanding, such as asking them to summarize the study in their own words, asking open-ended questions, using comprehension quizzes. मतलब फिर आप क्या कैसे आपको समझ आएगी, कैसे रिसर्चर ये अंडरस्टैंड करेगा कि पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट की समझ आ गई है. वो उनको कहेगा कि अच्छा जो मैंने आपको बताया वो काइंडली जरा मुझे अपने वर्डिंग में बताएं कि क्या क्या मैंने आपको एथिकल इश्यूज के बारे में क्या क्या बताया है और इस तरह की जो चीजें हैं. उसके लिए वो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी यूज कर सकता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और वगैरह वगैरह ये सारी चीजें वो यूज कर सकता है. आगे आ जाता है कैपेसिटी टू कंसेंट. Researcher must assess participants' capacity to provide informed consent. This involves determining whether individuals have the cognitive ability to understand that information presented and make rational decision. Special consideration must be given to the vulnerable participants, such as children, individuals with cognitive impairment, or those with limited decision-making capacity. यानी कि researcher की ये जिम्मेदारी है कि informed consent को sign करवाते वक्त या उसको implement या बताते वक्त ये देख ले कि क्या पार्टिसिपेंट्स की कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी है, क्या उनकी कंप्रीहेंशन पावर इतनी है, या उनकी एज इतनी है कि वो जो है कंसेंट के पॉइंट्स को समझ सके, इन्फॉर्म्ड कंसेंट को अंडरस्टैंड कर सके, उसके पॉइंट्स को और डिसीजन मेकिंग कर सके. आगे आ जाता है एसेंट. अगर नहीं है तो फिर ये अगला पॉइंट है. अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है या वो बच्चे हैं या वो समझ नहीं आ रही तो फिर क्या करते हैं, एसेंट एंड पेरेंटल गार्डियन परमिशन. तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनके पेरेंट्स से या उनके गार्डियंस से जो है वो परमिशन देते हैं कि क्योंकि जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है रिसर्च में, तो अगर वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी इतनी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है टू कंप्रीहेंड द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रिसर्चर इन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सो डेफिनेटली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका यह मतलब नहीं होगा कि वो समझ नहीं रहा तो आप उसको अच्छा ठीक है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बगैर ही चलोगे. नो, नेवर, नॉट एट ऑल. बट this is your responsibility to inform the parents, to inform the guardians, to inform the older one. ठीक है, अब आप सारी चीजें जो है वो उनके गार्डियन उनके पेरेंट्स को बताएंगे. and then this is your responsibility, this is your ethical responsibility to gain the permission from the side of their parents and the guardians as well. आगे आ जाता है confidentiality and privacy. आप रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को इंश्योर करवाते हैं कि उन्होंने जो रिसर्च के दौरान इंफॉर्मेशन दी होगी या कोई जो आंसर्स रिकॉर्ड करवाए होंगे या किसी भी किस्म की उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यू आर लायबल टू कीप देम कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट. आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करेंगे, आप उसको ब्रीच नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन को. रिगार्डलेस दो तीन मौके ऐसे आते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं, आपको राइट होता है, लेकिन ये भी आप बताते हैं. लेकिन बहरहाल वो बहुत एक्सट्रीम पे जाके आते हैं. लेकिन आम हालात में जो है वो आप पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करते, नहीं तोड़ते, नहीं ब्रेक करते. विथड्रॉल एंड डीब्रीफिंग. Participants should be informed of their right to withdraw from the study at any time. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि participants के पास right होता है कि वो study के दौरान किसी भी वक्त withdraw कर सकते हैं. आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन जारी रखें. उसके अलावा डीब्रीफिंग से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रिसर्चर जो है वो रिसर्च के दौरान या पहले नहीं बताता. उसकी वजह ये होती है कि फिर रिसर्च के रिजल्ट्स इफेक्ट होने का खतरा होता है. तो ऐसी चीज़ें फिर जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती आती है तो उसके बाद ब्रीफ किया जाता है, उसको कहते हैं डीब्रीफ. ठीक है, यानी कि फिर आप उसको डीब्रीफ करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं उसको कि ये जो है वो हमने किया है और ये इसके ये चीज़ें जो है वो हमने हाइड की थी, वो इस वजह से की थी और उनका ये जो है वो रिजल्ट आया. आगे आ जाता है जी ऑनगोइंग कॉन्सेंट. ऑनगोइंग कॉन्सेंट क्या है जी, सबसे पहले जो है वो अच्छा ये नहीं समझना है कि जो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है बेसिकली वो रिसर्च के शुरू में ही होता है. नो, जब भी रिसर्च के दौरान भी कोई प्रोसीजर बदलता है पार्टिसिपेंट से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, कोई रिस्क बढ़ जाते हैं, कोई बेनिफिट बढ़ जाते हैं, तो आपने पार्टिसिपेंट्स को उसके बारे में बताना होता है. उसको कहते हैं ऑनगोइंग कॉन्सेंट, यानी कि चलते हुए रिसर्च के दौरान जो कॉन्सेंट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनगोइंग कॉन्सेंट. तो ये चीजें थी जी। दिस इज एथिकल, दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फिर मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट्स, कि जिसमें रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को उनकी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, उनकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड, रिसर्च के पर्पज से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, मेरिट से, डीमेरिट से, और उसके फायदे, नुकसानात, रिस्क, हार्म, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो रिसर्च शुरू होने से पहले बताता है पार्टिसिपेंट्स को, और अगर कहीं दरमियान में कोई चीज़ चेंज आती है तो रिसर्चर दरमियान में भी उनको बताता है। चलें जी, अगर नहीं समझ कोई चीज़ आई तो यू कैन आस्क मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।